प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। ज्ञान तिमिरां दस्य ज्ञाना जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पत्कमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्चं श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं साधुतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास तदो जय मुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैश्चिकी। ग्रंथा श्रीमद्भागवतम की जय। ग्रंथा श्रीमद्भागवतम स्कंद एक अध्याय 14 श्लोक संख्या 37 से आज हम करते हैं। तो पहले श्लोक गा लेते हैं। यत् पासु सुषण मुखे कर्मणा सत्यादेयो द्वियश्च शस्त्रयोषिता निर्जित्य संख्ये त्रिदशान्तताशिषो हरन्ति वज्रायुधवल्भोचिता। यत् पाद सुषुष्णा मुखे कर्मणा सत्यादयो द्वियश्च शस्त्रयोषिता निर्जित्य संख्ये त्रिदिशास्तदाशिषो हरन्ति वज्रायुधवल्भोचिता। भावार्थ होता तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा। श्री प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। समस्त सेवाओं में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भगवान के चरण कमलों की सुषुष्णा करने मात्र से द्वारका स्थित सत्य भामा के अधीक्षण में रानियों ने भगवान को प्रेरित किया कि वे देवताओं को जीत ले। इस प्रकार रानियां उन वस्तुओं का भोग कर रही हैं जो ब्रज के नियंत्रक की पत्नियों द्वारा भोग्य है। तो हम कल चर्चा कर चुके हैं वैसे इस श्लोक पर। तो हम देख रहे हैं कि
युधिष्ठिर महाराज को अब शकुन दिखाई दे रहे थे और अब अर्जुन जो है वो लौट आए हैं, और अर्जुन के लौट आने के बाद युधिष्ठिर महाराज को प्रतीत होने लगा है कि जो उसे अब उन्हें अब शकुन दिखाई दे रहे थे वो सब सही थे। पिछले कई श्लोकों से जब अर्जुन लौट आए हैं तो युधिष्ठिर महाराज अर्जुन से सबके बारे में पूछ रहे हैं कि अक्रूर जी, कृतवर्मा, शत्रुजीत सब प्रसन्न हैं, बलराम जी ठीक हैं, विष्णु कुल के सेनापति प्रद्युम्न कैसे हैं, अनिरुद्ध कैसे हैं। तो एक एक करके कृष्ण सारे पुत्रों के बारे में, कृष्ण के सारे पुत्रों के बारे में पूछ रहे हैं और उनके बारे में भी पूछ रहे हैं, और साथ में ये भी पूछ रहे हैं कि वे हमारी कुशलता के बारे में पूछते हैं या नहीं पूछते हैं। तो अपने भक्तों के प्रति अत्यंत वत्सल भगवान कृष्ण द्वारकापुरी में पवित्र सभा का भोग तो कर रहे हैं या नहीं कर रहे, और फिर द्वारका की तुलना युधिष्ठिर महाराज वैकुंठ से कर रहे हैं कि सारे यदुवंशी भगवान की भुजाओं द्वारा सुरक्षित रहकर वैकुंठ वासियों की भांति जीवन का आनंद उठा रहे हैं। तो वैकुंठ जिसमें कोई कुंठा नहीं है, वैसे ही द्वारका में भी कोई कुंठा नहीं है, इसलिए सभी जीवन का आनंद उठा रहे हैं। और अब इस श्लोक में युधिष्ठिर महाराज भगवान की रानियों के बारे में चर्चा कर रहे हैं, और रानियों में भी सबसे अधिक सत्यभामा के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि समस्त सेवाओं में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भगवान के चरण कमलों की सेवा करने मात्र से द्वारका स्थित सत्यभामा के अधीक्षण में रानियों ने भगवान को प्रेरित किया कि वे देवताओं को जीत लें। रानियों ने भगवान को प्रेरित किया, और किसके अधीक्षण में? सत्यभामा के अधीक्षण में रानियों ने भगवान को प्रेरित किया कि वो देवताओं को जीत लें, और इस तरह उन वस्तुओं का वो भोग कर रहे हैं। तो यहाँ एक तरह से सत्यभामा के बारे में कहा गया कि उनकी अध्यक्षता में रानियों ने भगवान को प्रेरित किया कि वे देवताओं को जीत लें। तो सत्यभामा भगवान की पटरानियों में से एक थी, और हमने कल इस कथा का भी चर्चा की थी कि सत्यभामा ने एक बार भगवान से पूछा कि उनका ऐसा कौन सा सौभाग्य था, कि ऐसा कौन सा कर्म था कि उन्हें सत्यभामा को उनकी पत्नी बनने का अवसर मिला। तो भगवान जो है वो उन्हें कथा सुनाते हैं देवश्रमा की और गुणवती की, और वो गुणवती थी जो, क्योंकि पिछले जीवन में उन्होंने कार्तिक के व्रत किए थे और उस कार्तिक के व्रत के लाभ में उनको भगवान की पत्नी बनने का अवसर प्राप्त हुआ। और फिर हम चर्चा कर रहे थे कि सत्यभामा जो है तात्पर्य में भी प्रपद बता रहे हैं कि नरकासुर का वध करने के बाद भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा के साथ नरकासुर के महल में गए, और वे इंद्रलोक भी सत्यभामा के साथ गए। भगवान सत्यभामा जो है भगवान सत्यभामा के साथ ही नरकासुर का वध करने के लिए गए, और इंद्रलोक भी भगवान सत्यभामा के साथ गए। और अदिति सत्यभामा से वहां पर बहुत प्रसन्न हुई, अदिति जो कि इंद्र देव की मैया थी, अदिति सत्यभामा से बहुत प्रसन्न हुई और उन्होंने वर दिया कि जब तक भगवान कृष्ण पृथ्वी पर रहें तब तक वे तरुणी बने रहें। जब तक भगवान कृष्ण रहेंगे तब तक वो
तरुणी बनी रहेंगी, मीन्स यंग बनी रहेंगी। अदिति ने उन्हें स्वर्ग लोक में देवताओं द्वारा भोग्य सारी वस्तुएं भी दिखलाई। और जब सत्यभामा ने परिजात पुष्प देखा, अदिति ने उन्हें स्वर्ग में जो कुछ भी उपलब्ध था वो सारी वस्तुएं दिखाई। और जब सत्यभामा ने वहां पर परिजात वृक्ष देखा तो वो उनको बहुत परिजात वृक्ष को देखकर बहुत प्रसन्न हुई और उन्होंने इच्छा व्यक्त की कि इसे मैं अपने महल में ले जाऊं।